इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है, जिसकी तलाशी लेने पर 780 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध गतिविधियों सहित शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर आयशर वाहन को पकड़कर तलाशी लेने पर 780 शराब पेटी बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें जो है मुखबिर की सूचना पर एक आयशर ट्रक को पकड़ा गया है, उसमें लगभग 780 पेटी शराब पाई गई है। इसकी कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगी। इसको जो है पकड़ा गया है और इस पर अभी विवेचना चल रही है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है, वो कहाँ से लाए हैं और क्यों कहाँ के लेके जा रहे थे, तो ये सब चीज़ों में बिंदुओं पर पूछताछ चल रही है और आगे जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब परिवहन जो है उस पर लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। आगामी चुनाव की दृष्टि से भी जो है ये महत्वपूर्ण है, इसमें इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस भी हैं, तो लगातार जो है इस तरह के जो सूचनाएँ हैं उन पर कार्य किया जा रहा है, तो करते रहेंगे। सर प्रारंभिक तौर पर ये कहाँ से लेकर आए थे इतनी बड़ी मात्रा में? ये इंदौर से ही आना पाया गया है अभी प्रारंभिक पूछताछ में, अभी और उसमें अभी जारी है पूछताछ और वो जैसे जैसे उसमें तथ्य और क्लियर होंगे वैसा उसमें कार्रवाई करी जाएगी। सर कुछ बात बताइए कि कहाँ जा रहे थे, कुछ कारोबार ये इसमें हमेशा कहें कि ये शायद गुजरात जा रही थी और यहाँ पर लोकल में कहीं स्टोर हो रही थी, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं और जो है संबंध में भी विवेचना जारी है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।